हेलो एवरीवन, सो आज की हम वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे वेक्टर ग्राफिक्स के रिगार्डिंग, जो कि आपके फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, रास्टर और वेक्टर क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर रास्टर होता है आपका पिक्सल बेस्ड, जो कि आपका फोटोशॉप सपोर्ट करता है, फोटोशॉप ज़्यादातर उसी के ऊपर यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, आपका फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके पास होते हैं आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक क्या होते हैं, सिंपल, जो कि यहाँ पर वो पाथ बेस्ड होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर यहाँ पे वो क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, सिंपल वे में समझाऊं तो उसको आप जितना भी जूम कर लो या फिर इसको यहाँ पे आप जितना भी यहाँ पे डिटेल्स देख लो, वहाँ पे उसके पिक्सल्स बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं होता इसका इमेज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ। मैंने एक नॉर्मल सिलेक्शन टूल लिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन इस सर्कल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक न्यू लेयर पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड लेयर है और यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ले ली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन ड्रॉ किया इस तरीके से सर्कल, और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके या फिर फिल करता हूँ यहाँ पे, आप एडिट पे जाके भी फिल कर सकते हो। फिल पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल एक कलर फिल कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए, आप सभी को पता होगा। देन उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको अभी जूम करूँ तो मैं यहाँ पे पहले ट्रांसफॉर्म हटाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल प्लस। ठीक है, अगर मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसके शार्प जो एजेस है एकदम क्लियर है। ठीक है, फिलहाल हमारे लेयर के अकॉर्डिंग एकदम यहाँ पे अभी आपका सर्कल एकदम परफेक्ट है। ठीक है, मैं कंट्रोल जीरो करता हूँ। देन उसके बाद अब मैं करता हूँ कंट्रोल टी और उसके बाद इसको मैं करता हूँ जूम आउट, मतलब मैं इसको क्या कर देता हूँ इस तरीके से एक छोटे सर्कल में कन्वर्ट करके मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो गया। अब होता क्या है कि जब भी आप किसी शेप को छोटा करते हो, ठीक है, अभी जो शेप मैंने बनाई है, एक चीज ध्यान रखना, ये एक रास्टर शेप है। ठीक है, अब किसी भी शेप को अगर आप छोटा करोगे और उसके बाद क्या होता है, उसके यहाँ पे जो पिक्सल्स होते हैं ना, उतने पोर्शन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आपका यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी हमारा सर्कल बड़ा था तो उसके पास ज्यादा पिक्सल अमाउंट था। ठीक है, अभी हमारा सर्कल हो गया है छोटा, अब उसके पास ज्यादा पिक्सल अमाउंट नहीं है, पहले जितना नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करता हूँ दोबारा और इसी शेप को दोबारा जूम करता हूँ, तो आपको यहाँ पर आपका शेप पिक्सलेट होता हुआ क्लियरली दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अपनी ये क्वालिटी ये खो चुका है। अभी यहाँ पर फिलहाल अभी भी यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी है। मैं कंट्रोल टी करता हूँ, इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, क्योंकि मेरा जो लेयर है ना वो काफी ज्यादा रेजोल्यूशन का है, इसलिए यहाँ पर इसने क्वालिटी अपनी ज्यादा नहीं छोड़ी। ठीक है, मैं करता हूँ इसको और छोटा कर देता हूँ और टिक पे क्लिक करता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करता हूँ और दोबारा इसको यहाँ पे बड़ा करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन टिक पे क्लिक कर देता हूँ और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अब आपका जो सर्कल है वो इतना शार्प नहीं है जितना वो पहले था। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रास्टर ग्राफिक्स और इसके अंदर ये कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आप बात करता हूँ, अगर आपको कोई शेप ही ड्रॉ करनी है लेकिन उसको आप चाहते हो कि अगर आप उसको छोटा करो या बड़ा करो, उसके यहाँ पे पिक्सल्स खराब नहीं होने चाहिए, तो उस केस में आपको यहाँ पर इन टूल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर के अंदर पहला टूल आपका आता है टेक्स्ट के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग में समझेंगे। आपका आता है यहाँ पे पेन टूल और यहाँ पे आपके आते हैं कस्टम शेप्स टूल और यहाँ पे आपके आते हैं यहाँ पे कुछ एरो, इसके रिगार्डिंग में समझते हैं इस क्लास में। ठीक है, पहले आपको मैं एक सर्कल वैसा का वैसा ही ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैंने अगेन न्यू लेयर ली हुई है, आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया सर्कल टूल और उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे शेप ड्रॉ करोगे इस वाले टूल से, वो आपको यहाँ पर वेक्टर बेस्ड शेप मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए ये शेप यहाँ पे ड्रॉ हो गई, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इसको यहाँ पे शो कर रहा है बाय डिफॉल्ट, मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये शेप हमारी आ गई है जो कि मैंने यहाँ से अप्लाई करी है, इंप्लीमेंट की है। कंट्रोल टी करता हूँ, मैं इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर इतना छोटा यहाँ पर कर दिया इतना। ठीक है, और यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दिया, एक पॉइंट से दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं इसी शेप को मैं दोबारा जूम करता हूँ, कंट्रोल टी किया और दोबारा इसको मैंने स्ट्रेच किया और आपको मैं दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई होगी। ठीक है, टिक पे क्लिक किया, यहाँ पे इसकी क्वालिटी एकदम वैसी की वैसी है, चाहे मैं इसको जितनी बार भी छोटा या बड़ा कर दूं, इसकी क्वालिटी ऐसी की ऐसी ही मेंटेन होने वाली है जब तक ये पाथ बेस्ड सिलेक्शन के अंदर है।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल, अगर आप, मैं दिखाता हूँ और भी यहाँ पे कुछ शेप्स है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ कस्टम शेप क्रिएट करनी है, और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे कलर नहीं आ रहा होगा आपके सिस्टम में, आपको यहाँ पे कलर यहाँ पे प्रॉपर्टी बार से लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल लिखा हुआ है, स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइंस, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे आउटलाइंस भी आ जाए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को यहाँ पर एक येलो कलर की आउटलाइन चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपल सॉलिड कलर पे क्लिक, और इसके बाद कुछ इस तरीके से आपको आउटलाइंस देखने को मिलेगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल ओके, यहाँ पे हमारी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे जो हमारी आउटलाइंस है, ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं एक बार, ठीक है। आउटलाइंस यहाँ पे मैंने 1 pixel सेट किया हुआ है, तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप वो आपकी स्क्रीन पे वो विजुअल हो। मैंने यहाँ पे कर दिया कि आउटलाइन मेरे को चाहिए 50 pixels की, एंटर प्रेस करता हूँ, तो इस तरीके से आपकी आउटलाइन आ गई। यहाँ पे इसमें येलो कलर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इसका, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आपकी आउटलाइन भी क्रिएट हो गई प्रॉपर्टी बार के थ्रू, ठीक है। शेप्स क्रिएट करने के बाद आपको प्रॉपर्टी बार से ये सब चीजें चेंजेस करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा अगेन दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। आपको सिंपल शेप क्रिएट करनी है, मान लीजिए मैं कोई और शेप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर कुछ इस तरीके की शेप, एक कस्टम शेप यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी इस तरीके से, क्लियर। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा, ये कलर आपका इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा, आपको पाथ दिखेगा, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो आपका पाथ बना हुआ है ना, ये आपकी इमेज के ऊपर कोई भी कलर अप्लाई नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे ही पाथ बना के किसी भी शेप का इस फाइल को सेव कर दूंगा, तो ये मेरे को कुछ भी यहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है। फाइल सेव फाइल में कुछ भी शो नहीं करेगा। आपको करना क्या होगा, आपको या तो इसके अंदर फिल करना पड़ेगा कुछ ना कोई, कोई ना कोई कलर, या फिर आपको यहाँ पर स्ट्रोक देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ फिल पे क्लिक, और आपको पहले सिलेक्ट करना है कि आपको यहाँ पर ये होता है आपका नन, ठीक है, ये होता है आपका सॉलिड कलर, ये होता है आपका ग्रेडियंट, ये होता है आपका पैटर्न फिल। अगर आपको यहाँ पे सॉलिड कलर फिल करना है, आप इस पे क्लिक करो और इसके बाद अपना कलर सिलेक्ट करो, ठीक है। अगर आपको ग्रेडियंट फिल करना है, आप इस पे क्लिक करो और उसके बाद अपना शेड यहाँ से सिलेक्ट करो। बॉर्डर्स के रिगार्डिंग मैंने ग्रेडियंट आपको समझाया हुआ पिछली वाली वीडियो में, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। देन इसके बाद स्ट्रोक की बारी आती है, स्ट्रोक के अंदर आपको सॉलिड स्ट्रोक चाहिए, या फिर इसके अंदर भी आपको ग्रेडियंट और पैटर्न के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पे चाहिए सॉलिड कलर में यहाँ पर एक स्ट्रोक, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ मेरे को यहाँ पर चाहिए एक रेड कलर की स्ट्रोक, ठीक है। और इसके बाद अभी आपको स्ट्रोक दिख नहीं रही होगी, क्योंकि इसी के आगे जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे 1 pixels, ये स्ट्रोक का विड्थ है, ठीक है, उसकी मोटाई। तो यहाँ पे 1 pixels नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ अप्रॉक्स 50 pixels, ताकि हमें वो स्ट्रोक इजीली दिखे। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आपको ये स्ट्रोक दिख गई होगी फिलहाल, ठीक है। और इसके बाद स्ट्रोक का स्टाइल कैसा होना चाहिए, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपका डॉटेड होना चाहिए, डैश्ड होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, क्लियर। तो फिलहाल आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग समझ में आ गया होगा कि वेक्टर शेप्स क्या होती है और उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टेक्स्ट टूल की, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ। देखो, जो आपका टेक्स्ट होता है वो भी आपका यहाँ पर वेक्टर ही होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल टेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ, वर्टिकल भी, वर्टिकल क्या करेगा, सिंपल इस तरीके से टेक्स्ट लिखवाएगा, और हॉरिजॉन्टल आपका इस वे में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली सिंपल मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा फोटो शॉप, ठीक है। तो उसके बाद मैं अगर कंट्रोल टी करके इसको भी अगर मैं जूम करता हूँ, इसके अंदर कंट्रोल टी नहीं, आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मैं कंट्रोल दबा के रखता हूँ और इसको यहाँ से इस तरीके से बड़ा करता हूँ। अभी भी आपको यहाँ पे भी यहाँ पे कोई भी चीज पिक्सेलेट होती हुई नहीं दिखेगी, और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हो, उसको यहाँ पे करता हूँ मैं मूव करता हूँ। और टेक्स्ट को मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सिंपल अपना कर्सर टेक्स्ट पे थोड़ा सा नीचे लेके आओ, और जैसे ही आपको यहाँ पर अपना ये जो आइकन है इस तरीके से चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप क्या करना, सिंपल जैसे ही आपका आइकन चेंज हो जाए, आप इसको इस तरीके से डबल क्लिक करके, या फिर माउस पे हो तो लेफ्ट क्लिक करके, आप इसको मूव करवा सकते हो कहीं भी और प्लेस करवा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर टिक पे क्लिक करने के बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, ठीक है। और इसको मैं भी हटा देता हूँ, ये प्रॉपर्टीज है, मैं आपको प्रॉपर्टी बार के थ्रू ही समझा देता हूँ जो प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट साइड में शो हो रही है डिस्प्ले के, ठीक है। मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है।
मान लीजिए अब मेरे को यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज करना है, ठीक है। अभी तो मैंने ऊपर वाला साइज कैसे इंक्रीज किया, ट्रांसफॉर्म करके। अब मेरे को यहाँ पर चाहिए कि मैं साइज भी इंक्रीज कर दूँ, अब मैं इसका फॉन्ट जो यहाँ पे राइटिंग लिखी हुई है वो भी चेंज कर दूँ, इसका कलर भी चेंज कर दूँ। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है प्रॉपर्टी बार के अंदर। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपको हमेशा सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने टेक्स्ट को इस तरीके से, मतलब एक बार क्लिक कर दिया उसके बाद यहाँ पे अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाते हैं बहुत तरीके के फॉन्ट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। जैसा भी आपको यहाँ पे फॉन्ट चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करके वैसा ही फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे है इटैलिक, बोल्ड और रेगुलर, ये कुछ तीन टाइप्स होते हैं। अब ये फॉन्ट अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको तीनों ही दिखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे जो ये वाला फॉन्ट मैंने अप्लाई किया है ये सिर्फ इटैलिक को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पर टेक्स्ट साइज। अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 222 PT, मतलब इसका 222 यहाँ पे PT साइज है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200 तो आपको साइज थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300 तो आपको यहाँ पे साइज ज्यादा देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर अगर इंक्रीज करना है तो आप नंबर ज्यादा डालोगे, डिक्रीज करना है तो नंबर कम डालोगे, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर शार्प चाहिए, क्रिस्प चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो कुछ इफेक्ट्स है आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके खुद से भी देख सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे उसका अलाइनमेंट सेंटर चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपको तभी यहाँ पर दिखने को मिलेगा जब आप यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो इस तरीके से, क्लियर। देन उसके बाद क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पे सेंटर करके दिखा देता हूँ। अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर है, हमने यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया। अगर मैं सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर के अंदर आएगा, लेफ्ट सॉरी यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट, और ये आपका सेंटर, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कुछ और वर्ड्स भी लिखना, मैं इंटरफेस करूंगा यहाँ पे, जो भी मैं लिखूंगा वो सेंटर में ही आएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ राइट, ठीक है, तो जो भी मैं चीजें लिखूंगा वो राइट साइड में आएंगी, ना कि सेंटर में, इस तरीके से, क्लियर। दोबारा मैं सभी को सिलेक्ट करता हूँ। अभी एक और बार दिखाता हूँ आपको, सेंटर इस तरीके से, लेफ्ट और राइट आप यहाँ पे कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल सेड और इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और एक और चीज, अगर आपको यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर देना तो आप यहाँ पे सिंपल टिक कर सकते हो। और एक और चीज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सिलेक्शन करने के बाद, और यहाँ से मैं इसको एक नया कलर दे सकता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ और अब आपके पास एक नया कलर आ गया है। मैं टिक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर और आपके यहाँ पर टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट की बात हो गई यहाँ पे। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके जो पेन टूल है ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है, तो इसके रिगार्डिंग में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल आपको यहाँ पे मैं एक और लेयर ले लेता हूँ, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, एक यहाँ पर इस तरीके से मैंने लेयर ली हुई है। देन इसके बाद पेन टूल आपको यूज करना पहले आना चाहिए कि यूज किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे कुछ टिप्स होती है इसके रिगार्डिंग, आपको उसको ध्यान में रखते हुए इसको यूज करना है। बेसिकली पेन टूल क्या है, पाथ क्रिएट करता है, उसके पाथ को क्रिएट करने के बाद, या तो हम डायरेक्टली उस शेप के अंदर यहाँ पे पाथ अगर आप क्रिएट करोगे, मतलब आप कोई ना कोई शेप क्रिएट कर रहे हो, तो शेप को या तो हम उसके अंदर कलर फिल करते हैं या फिर हम उसका स्ट्रोक दे देते हैं, ठीक है, या फिर हम उस सिलेक्शन उसको हम सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उस सिलेक्शन के अंदर हम बहुत सारे टूल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले जो टूल्स है ना वो सिलेक्शन के अंदर ही काम आएंगे, आपके पाथ के ऊपर वो काम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बता रहा हूँ सिंपल आपको पेन टूल यूज कैसे करना है। मैंने क्लिक किया और दूसरी साइड मैंने क्लिक किया और एक और साइड मैंने क्लिक किया, देन मूव किया और क्लिक किया, ये एक मैंने पाथ का सर्किट मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पाथ मैंने इस तरीके से सिंपल तीन जगह मैंने क्लिक किया हुआ है, वहां पे इसने पाथ क्रिएट कर दिया। सिंपल यही काम होता है आपका पेन टूल का। लेकिन अगर आपको कुछ भी ट्रेस करना है जो कि यहाँ पे कर्व में है, मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि कर्व में हो, तो उस केस में क्या करें, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग भी करना है। मैंने क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब क्लिक और ड्रैग करने के बाद आपको ये दो लाइन्स दिख रही होंगी, ठीक है। अब ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों लाइंस को, ये एक सिंगल लाइन नहीं है, दो अलग अलग लाइंस है, ठीक है। पॉइंट के इस पर ये अलग लाइन है, पॉइंट के इस पर ये अलग लाइन है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं हैंडल्स, और हैंडल्स ही डिपेंड करते हैं कि आपका कर्व कितना कर्व हो, कितने अमाउंट में उसका कर्व हो, यहाँ पर उसकी यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ मैं करता हूँ कंट्रोल जेड और दोबारा एक पॉइंट ड्रैग करता हूँ, और अब मैं क्लिक छोड़ नहीं रहा हूँ, सिंपल देखो हाइट
भी मैटर कर रही है आपके कर्व कैसा होना चाहिए, और इसका एंगल भी मैटर कर रहा है कि आपका कर्व कैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हो इस तरीके से और आप चाहते हो इसको एडिट करना, तो आप यहाँ पे बाकी के टूल्स यूज करोगे इसके रिगार्डिंग। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजें और बता देता हूँ कि इसके अंदर भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं ऊपर की तरफ कि आपको सिर्फ पाथ क्रिएट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ शेप क्रिएट करनी है। शेप हमने जो अभी सीखी थी वही सेम ऑप्शंस आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर मिल जाएंगे, या फिर आपको यहाँ पे पिक्सल बेस्ड कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए यहाँ मैं आपको समझाता हूँ सिर्फ पाथ और शेप, ठीक है। और पिक्सल वाला वही सेम चीज कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मैंने ऊपर की तरफ समझाया अभी, ठीक है। मैंने यहाँ पे पाथ क्रिएट किया, उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पर उसको यहाँ पर इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल मेक सिलेक्शन, उसका एक सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज, अभी सिलेक्शन तो नहीं बना रहा मैं इस चीज का, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब आपको यहाँ पे दो हैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बाकी के टूल्स की जो कि नीचे की साइड है, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर दो यहाँ पे हैंडल्स हैं, एक हैंडल यहाँ पर इसके पॉइंट के पहले वाले कर्व को डिफाइन करता है, जो दूसरा हैंडल है वो क्या करेगा, जो अपकमिंग यहाँ पर जो कर्व है उसको डिफाइन करेगा, ठीक है। तो करना क्या है सिंपल, अगर मैं क्लिक करता हूँ, अपकमिंग मतलब जब मैं क्लिक करने वाला हूँ, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बनाने वाला हूँ उसको यहाँ पे उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। मैंने क्लिक किया, एक पॉइंट बनाया, तो देखो इसने इसको भी इफेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे कुछ भी क्लिक करके ड्रैग नहीं किया, बल्कि इसके बने हुए हैंडल ने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको कर्व कर दिया। अब इसके आगे कोई हैंडल नहीं है, मतलब अगर मैं क्लिक करूंगा और ये क्या करता रहेगा, अपने आप पॉइंट्स को बनाता रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले पॉइंट्स को बनाता रहेगा, कोई भी कर्व वाला पॉइंट नहीं क्रिएट करेगा। कंट्रोल जेड किया, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कर्व तो बनाना है लेकिन उसके आगे वाला कर्व नहीं चाहिए आपको, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपल ऑल्ट प्रेस करो और इस नोट के ऊपर, इसको हम बेसिकली पॉइंट को मैं समझाने के लिए पॉइंट बोल रहा हूँ, वैसे इसको हम बोलते हैं नोट, ठीक है। इस नोट के ऊपर आप यहाँ पर एक क्लिक कर दो ऑल्ट दबाने के बाद, तो आपका जो अपकमिंग हैंडल है वो आपका हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और जब भी आप चाहते हो कर्व ड्रॉ करना, दोबारा डबल क्लिक करो या फिर इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो इस तरीके से कर्व्स क्रिएट करने में, ठीक है। अगेन मेरे को ये हैंडल डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल्ट और डिलीट, ठीक है। और इसके बाद मैं इस पाथ को यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पे पूरा सर्किट कंप्लीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पेन टूल काम करता है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी नोड एडजस्टमेंट करनी है, मतलब आपने पाथ तो क्रिएट कर लिया लेकिन आप चाहते हो इसको एडजस्ट करना, ठीक है, या फिर इसको एडजस्ट करना, या फिर आप चाहते हो कि यहाँ पर सिर्फ मैं करता हूँ राइट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कर्वेचर पेन टूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप इन सभी नोड्स को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये वाला नोड मेरे को थोड़ा सा दूरी पे चाहिए था, इस तरीके से ये वाला नोड मेरे को यहाँ पर नहीं बल्कि थोड़ा और ऊपर चाहिए था, तो इस तरीके से, ठीक है। और डबल क्लिक करने के बाद आपका नोड यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और एक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे किसी भी पाथ के ऊपर आप अगर आप क्लिक करते हो तो आपका एक नया नोड भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फ्रीली, जैसे कि हम यहाँ पे हमने सीखा था कि फ्री हैंड सिलेक्शन कैसे होता है आपका, यहाँ पे जैसे हमने किया था ऊपर की तरफ लासो रूल यूज किया था, वैसे यहाँ पे आप फ्रीली यहाँ पर फ्री फॉर्म पेन टूल भी यूज कर सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था एक पेपर के ऊपर, जैसे कि आप पेंसिल यूज करते हो ना, वैसे ही आप यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ कर सकते हो, वो नोड्स अपने आप बना देगा इस तरीके से, क्लियर। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास, एड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर एंकर्स ऐड करने हैं या डिलीट करने हैं, ये उसके लिए, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, कर्वेचर टूल के अंदर डबल क्लिक करके वो काम कर रहा था। अब यहाँ पे इंडिविजुअल इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर आपको नोट्स ऐड करने हैं, आप क्लिक करो, वो नोट्स आपके ऐड कर देगा उस पॉइंट के अंदर, जहाँ पे भी आप जिस भी पाथ के बीच में आप क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आपको डिलीट करने हैं, आप यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी फिफ्थ ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो और उसको आप डिलीट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कर्वेचर पॉइंट टूल क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ सभी चीजों को और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगेन हम उसी पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बनाया था,
अब मैं यहाँ पे नॉर्मल पेन टूल का यूज करता हूँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जैसे कि मैंने एक हैंडल क्रिएट कर लिया, अब इस हैंडल को मेरे को एडजस्ट करना है। अप्लाई तो मैंने कर दिया, अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा ना पेन टूल लेते हुए क्लिक करूंगा दोबारा, तो यहाँ पे वो एक नोट बना देगा, ना कि मेरे हैंडल को एडजस्ट करेगा। ठीक है, कंट्रोल जेड किया तो इस हैंडल को एडजस्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन टूल्स के अंदर। क्लिक किया, यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपल कर्व पॉइंट टूल, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करो और इसके बाद आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे ना अगर आपने पूरी शेप ड्रॉ भी कर ली है उसके बाद आप इसको कर्व करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड किया और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल पेन टूल यूज किया। तो यहाँ पे आप एक और चीज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, मैं किसी भी एक लाइन को क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, और जैसे कि यहाँ पे तो कोई भी यहाँ पे इस वाली लाइन में यहाँ पे कोई भी हैंडल्स नहीं है, मैं यहाँ पे इस कर्व वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मेरे को उसका हैंडल यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपको यहाँ पर हैंडल शेप ड्रॉ करने के बाद भी थोड़ा बहुत चेंज करना है तो उसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हो और इंडिविजुअली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इस तरीके से वो हैंडल, यहाँ पर उसकी हाइट वेट जो भी आपको यहाँ पर चेंज करना है, उसका हाइट और एंगल बेसिकली, तो वो भी आप चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो लास्ट ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, ओके, तो मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और ट्रेसिंग का एग्जांपल देता हूँ कि आप कैसे ट्रेसिंग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप कंट्रोल, एक और चीज़ यहाँ पे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए, एक सिलेक्शन हो, कंट्रोल जेड करता हूँ, राइट क्लिक करके भी आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और ओके पे क्लिक करना है, आप यहाँ से भी सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक यहाँ पर इमेज मैंने ली हुई है, मैं चाहता हूँ उसको ट्रेस करना, तो उस केस में सिंपल आपको पहला स्टेप तो यही है कि आप पहले जूम कर लो उस चीज़ को, ठीक है, थोड़ा सा, देन उसके बाद क्या है, आप जाओ यहाँ पे नॉर्मल पेन टूल पे, पहले हम यहाँ पे नॉर्मल नोट्स बनाते हैं, यहाँ पे आप रफली नोट्स बना सकते हो, बाद में उसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक करके, अब थोड़ा सा कर्व मेरे को चाहिए ना, तो क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा, नॉर्मल क्लिक कर नहीं करना आपको, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है इस तरीके से। ठीक है, तो इतना मैंने यहाँ पे लॉजिकली यहाँ पर इसकी हाइट लिया, आपको अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका कर्व एकदम परफेक्टली बैठ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आप यहाँ पर कर्व अप्लाई करना है। अब मेरे को नेक्स्ट कर्व इस तरीके से चाहिए, ठीक है, जो कि एकदम इस हैंडल की मेरे को जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे इस हैंडल को डिलीट कर देना हुआ। ठीक है, इस हैंडल को मैंने डिलीट कर दिया और उसके बाद कुछ इतनी दूरी पे, ज्यादा भी कर्व आप यहाँ पे परफॉर्म मत करना एक बारी में ही, आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर्व यहाँ पे लेना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इतना, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ और उसके बाद मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा और चाहिए, तो उसके इसमें यहाँ मैं जाता हूँ, जो कि आपको मैंने लास्ट टूल बताया था, यहाँ पर कन्वर्ट पॉइंट टूल, और यहाँ पे मैं इस हैंडल को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ, तो इस तरीके से आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको यहाँ पे पूरा ट्रेस करके दिखाता हूँ कि मैं इसके हेयर को ट्रेस करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में वो चीज़ आपको करके मैं दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैंने यहाँ पर इतनी एक्यूरेट तो नहीं आया मेरा रिजल्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए हैं, ताकि मैं चाहता दिल से मैं इस चीज़ को ट्रेस कर लूँ, ठीक है, ताकि वीडियो आपकी छोटी से छोटी बने। और फिलहाल यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग करी है। ठीक है, जैसे कि इस पोर्शन में देखो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीपल नोट्स बनाने पड़ेंगे, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करो, यहाँ पर सिंपल मैं कंट्रोल जीरो करता हूँ और उसके बाद क्या है, यहाँ पर मैं करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ पे करता हूँ स्ट्रोक, अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है सिर्फ, तो आप स्ट्रोक पे क्लिक कर सकते हो, फिल करना है आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो, मेरे को फिलहाल यहाँ पे मेक सिलेक्शन करना है इस तरीके से, और ओके पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ यही डिजाइन में कहीं और जाके पेस्ट कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्शन कर लिया इस पेज, इस चीज का, यहाँ पे करता हूँ कॉपी और इसके बाद जाता हूँ मैं कहीं और किसी और लेयर में, यहाँ पे कर देता हूँ मैं वो चीज पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा इमेज पड़ा है, यहाँ पे मैं कंट्रोल टी करता हूँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। जिस तरीके से
ठीक है, सिर्फ ये है जहाँ जहाँ हमने पाथ क्रिएट किया था सिर्फ उतना ही पार्ट आपके पास ये क्रिएट होके आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका यूज होता है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो किसी भी पाथ बनाया हुआ है, अगर आपने, मैंने जिसके आपको बताया कि आप ऊपर वाले ऑप्शंस यूज नहीं कर सकते पाथ के ऊपर, ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक जो भी ऑप्शंस इस वीडियो से पहले सीखे हैं आप उसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते पाथ के ऊपर। अब मान लीजिए आपको मूव टूल यूज करना है तो आप मूव कैसे करेंगे उस पाथ को, आपने पाथ तो क्रिएट कर लिया, ठीक है, आप चाहते हो उस पाथ को यहाँ से मूव करना, ठीक है, तो उस केस में अब देखो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ मूव टूल और इसको मूव करने की कोशिश करूंगा ना तो आपका लेयर मूव होगा ना कि आपका पाथ, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा यहाँ पर लिखा हुआ है पाथ सिलेक्शन टूल, आप इस पर क्लिक करो और उसके बाद आप पाथ को इस तरीके से इजिली मूव कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू यहाँ पे आप किसी भी नोड को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस पे नोड पे क्लिक किया और इसको भी मैं मूव करना चाहता हूँ, मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूँ, मैं हैंडल को मूव करना चाहता हूँ, मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूँ, तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो और ये काफी क्रिएटिवली आप इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो अपने ग्राफिक्स जो भी आप डिजाइन करना चाहते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम आने वाली वीडियोस में बाकी के जो बचे हुए टूल्स हैं उनको भी कवर करते हैं, ठीक है, थैंक यू।